ओल्ड एज में हैं, 70-80 साल के हैं, बेटा बाहर विदेश में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में उनके पास कोई साधन नहीं होता और वहाँ पर वो नौकर रखते हैं और नौकर वही हादसा करके चले जाते हैं। उनकी निगरानी रखना, उन पर नज़र रखना, किस घर में कौन आ रहा है, किस घर से कौन जा रहा है, यदि आपने जागरूकता का परिचय नहीं दिया या आपने जागरूकता के आधार पर किसी और को नहीं बताया, आप आंख बंद करके सो गए और आपने ये सोचा कि आज इस घर में हुआ है मेरे घर में नहीं होगा, आज इस व्यक्ति के साथ हुआ है मेरे साथ नहीं होगा, तो ये सब आपकी मैं कहूँगा नादानी। क्योंकि जो करने वाला है आज यदि वो गलत काम किसी के साथ कर रहा है तो कल का निशाना आप पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आपको इस चीज़ को जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस गली में भी रहते हैं, उस गली का तो कम से कम एक एक गली का एक एक व्यक्ति ऐसा हो जो उस गली के लोगों को जानता हो, इस मकान में कौन रहता है, इस मकान में कौन किराएदार है, किस किराएदार की वेरिफिकेशन हुई है, इस मकान में कितने उद्योगपति रहते हैं, इस मकान में कौन सी इंडस्ट्री चलती है, इसमें कितने लोग काम करने के लिए आते हैं, बिहार के कितने हैं, बंगाल के कितने हैं, उड़ीसा के कितने हैं, कितने लोग फर्जीवाड़े पर यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी ग्रुप पकड़ा गया, आपने सुना ही होगा, समझा होगा कि एक लड़की बाहर से आकर के और यहीं रोहतक के लड़की के साथ में किराए पर रह करके और फर्जी पासपोर्ट वीज़ा बना रहे थे और 20 लोगों को यहाँ पर शरण दे दी। तो आखिर वो किसका गला काटेंगे, वो नुकसान किसका पहुँचाएंगे? यदि आपने इस चीज़ को सतर्कता से नहीं लिया, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक परिवार के हैं, हम सब जब यहाँ पर रहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस शहर को हम अच्छा कैसे बनाएं। यदि हमने हमारे अधिकारी हैं वर्दी में हैं, इनको कुछ नहीं पता किस किस तक पहुँचेंगे वो, यदि आप लोगों में से इनमें से थोड़ा सा भी आपने साथ दिया, सहयोग दिया, तो ये उस क्राइम को ख़त्म कर देंगे, उस क्रिमिनल तक पहुँच जाएंगे और आपके ही होगा। लेकिन जागरूक हों, आपकी बेटी घर से निकलती है और आपसे कह करके जाती है कि मैं माता के जागरण में जा रही हूँ, एग्जाम्पल दे रहा, आपने उसे परमिशन दी, वो माता के जागरण में गई, रात को नहीं आई, आपने पूछा नहीं, दो दिन नहीं आई, तीन दिन नहीं आई, उसके बाद में पुलिस के पास में आप आए कि जी हमारी बेटी कहीं गायब हो गई है।